पटियाला पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज वित्तीय संकट के साथ जूझ रही पंजाब यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत दी। चन्नी ने ऐलान किया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी का 150 करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब सरकार भरेगी। इसके साथ ही सीएम चन्नी ने कहा कि यूनिवर्सिटी को हर महीने 20 करोड़ की ग्रांट सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि हम पंजाब में शिक्षा का नया मॉडल लेकर आ रहे हैं और हम एक नया पंजाब बनाएंगे। सीएम ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए पंजाब सरकार हर साल 240 करोड़ रुपए दिया करेगी। मुख्यमंत्री ने पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के वार्षिक अनुदान को 114 करोड़ से बढ़ाकर 240 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। बता दें कि पंजाबी यूनिवर्सिटी की आर्थिक देनदारी 150 करोड़ की है। 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ इकट्ठा पिछली सरकार के टाइम पंजाबी यूनिवर्सिटी ने लोन ले लिया। हूँ वह यूनिवर्सिटी वास्ते चिट्टा हाथी बन गया ते उदे ब्याज दे विच ते उदी किस्त दे विच ए जड़ी यूनिवर्सिटी डुबदी जा रही। सो अज मैं धन्नवादी एफ एम साहब का मेरे नाल आए हैं। ऐसी फैसला कर लिया कि 150 करोड़ रुपया ऐसी सरकार दे खेतर विच ले लिया है। इन्हों का इस गल तो वजन लाता है। 150 करोड़ रुपया हमने पंजाब सरकार ने ओन कर लिया तो असी इन्हों एक किस्म की ग्रांट देती है तो इन्हों 150 करोड़ रुपये का बोझ खत्म करता है ताकि यूनिवर्सिटी चले। लेकिन इस तो भी अगे यूनिवर्सिटी का खर्चा है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नकली केजरीवाल के बयान पर भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जवाब दिया। सीएम चन्नी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं, वो खुद नकली हैं और कुछ न कुछ बोलकर दूसरों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हूँ किसी को नकली दस दे किसी को कुछ दस दे वो आप नकली है। नकली का तुसी मतलब समझते पिंडा दे विच आंदे ना भंड जे नकल करने वास्ते जी जी वो सिस्टम है। वो बहुत ही देर चलता नहीं होंगे वो चलिया नहीं। हूँ उन्होंने सिस्टम चल नहीं रहा कुछ ना कुछ बोल के दूसरे ने भड़काने की कोशिश करते पर ऐसी एक सोच लेके और अच्छी सोच लेके पंजाब दे विच चल रहे पॉजिटिविटी नाल चल रहे। मैं किसी नू ये नहीं कहना कि मेरी नकल कर रहा। मैं किसी नू ये नहीं कहना ये माड़ा है। मैं किसी नू ये नहीं चंगा। मैं अपनी लाइन ते चल रहे हैं। ऐसी अपनी लाइन नू वधिया कर रहे हैं। ऐसी पंजाब दे विच ओ चीज़ां लेके आ रहे जो लोगों नू जरूरत है। लोगों दीआं समस्यावां हल कर दें। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਗਰੰਟੀਆਂ 11 ਆਈ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਥਾ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ ਥੀ। ਟੋਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।